गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 31 अगस्त दिन बुधवार को है। इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भगवान गणेश के भक्त आराध्य विघ्नहर्ता की प्रतिमा अपने अपने घरों के साथ पंडालों में स्थापित करते हैं। इस प्रतिमा का 9 दिन तक पूजन किया जाता है। 10 दिन पूजन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गाजे बाजे के साथ गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस दौरान लोग कामना करते हैं कि उनका जीवन मंगलमय हो और अगले साल फिर से उनकी प्रतिमा को स्थापित पूरे विधि विधान से करें और पूजन करें। लेकिन ऐसा अक्सर होता है, जब भी मूर्ति को घर में लाया जाता है तो माना जाता है कि उसमें देवतत्व का वास होता है। कई बार मूर्ति टूट जाती है, खंडित हो जाती है, तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं। अगर गणेश चतुर्थी पर भी खंडित मूर्ति हो जाए आपकी, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। महागणपति की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर खंडित हो जाए तो नई मूर्ति लाकर आप उपासना करें। गणेश चतुर्थी के दूसरे या तीसरे दिन मूर्ति खंडित हो जाती है तो नई मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है। मूर्ति खंडित हो चुकी है तो उसे अक्षत के साथ जल में प्रवाहित कर दे। पूजा घर में स्थापित गणेश प्रतिमा भी अगर बेरंग हो चुकी है तो उसको भी अक्षत के साथ प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित और बेरंग हो चुकी मूर्ति सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं करती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और ओपोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।